हाँ जी बच्चों, आप लोग टेंथ में हो चुके हो। पहले तो आप सभी को एक बार पुनः बधाई है कि आप इस बार तो मेरे को लगता है आप बहुत ज्यादा खुश होंगे कि बिना पेपर दिए आप अगली क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। खैर, इसमें कोरोना जैसी राष्ट्रीय महामारी है, विश्वव्यापी महामारी है, तो इसके अंदर अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार आप लोग अगली कक्षा में प्रमोट हो चुके हैं। परंतु एक लंबा समय हमारे बीच में से गुजर रहा है, तो हम लोग यही कर रहे हैं कि आप लोग घर पर बैठकर सेफ रहिए, पढ़िए, अपना जो समय का है सदुपयोग कीजिए। ऐसी आप लोगों को हमारी सलाह भी है और आशा भी करते हैं कि आप लोग जरूर सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे। तो हम लोग बच्चे पढ़ रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो टॉपिक था माध्य पढ़ा था, कुछ साधारण डाटा दिया गया था, तो उसका माध्य ज्ञात करने के लिए हमने पहले छोटी कक्षाओं में हम लोगों ने औसत पढ़ा करते थे वही फार्मूले का प्रयोग किया था। कौन सा फार्मूला था? माध्य। माध्य का प्रतीक एक्स बार कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक्स बार यानी सिग्मा एक्स बटा एन। ये हम लोगों ने 17.1 एक्सरसाइज के अंदर इस प्रकार आप लोगों ने माध्य ज्ञात कर लिया होगा, नहीं किया तो वो बच्चे भी अपना समय रहते अपना कार्य आरंभ कर दे। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा अगला टॉपिक है 17.2। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जनरल डाटा को बारंबारता सारणी के रूप में दे दिया जावे फिर माध्य कैसे ज्ञात करना है। कि इस प्रकार बारंबारता सारणी दी गई हो तो एक दो बार आया, दो मान लो चार बार आया, तीन दो बार आया, चार दो बार आया और पांच एक बार। इस प्रकार बारंबारता सारणी दे दी जावे, इस सारणी से हमें माध्य ज्ञात करना हो, इस बात का अध्ययन हम 17.2 एक्सरसाइज में कर रहे हैं। तो ऐसे बंटन का माध्य हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, स्टैटिक्स का एक छोटा सा चैप्टर आता, तो उसमें हम लोगों ने माध्य ज्ञात किया था। कैसे करते हैं इसको? प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। fx यानी f(x) का मल्टीप्लाई गुणा करना है, तो x और बारंबारता उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। एक का गुणा दो से किया दो, दो का चार से किया आठ, तीन का दो से किया छह, चार का दो से किया आठ, पांच का एक से किया पांच, और इसका जोड़ कर लेने दो आठ दस, सोलह चौबीस और पांच उनतीस। इधर f का जोड़ कर लेना है छह आठ दस ग्यारह। अब हमने माध्य का फॉर्मूला यानी सूत्र प्रयोग करना है। कौन सा सूत्र? माध्य। माध्य का प्रतीक x बार होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और अब जो यहां पर सूत्र प्रयोग करना है वो सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स का योग और इसके बटे में सिग्मा एफ यानी एफ का जोड़। सिग्मा एफ एक्स 29 बटे में 11, एफ का जोड़ 11 है, 29 को 11 से भाग दे देवे जो भी संख्या प्राप्त होगा वो हमारे दिए गए बंटन का माध्य होगा। 29 को 11 से भाग देना है तो भाग दीजिए, 11 का भाग 2 पर गया, कितना बचा? सात, यहां पर पॉइंट जीरो, ग्यारह छह पर गया 66 यानी 66, 40 ग्यारह तीन 2.63 दिए गए बंटन का माध्य होगा। यह है 17.2 एक्सरसाइज जिसके अंदर बारंबारता सारणी दी गई हो और बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करने के लिए पुनः रिपीट कर रहा हूं कि आपको एफ और एक्स का गुणा करना है। गुणा करने के बाद एफ एक्स का जोड़ बटे में एफ का जोड़ यानी फॉर्मूला यूज करना है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये एक्सरसाइज है 17.2, ये माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है।